हेलो गाइस हाउ आर यू गुड गुड नाइट का टाइम हो गया है वैसे तो लेकिन अभी uh, मुझे ये बताना है मैं आज बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग सूट कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे ब्लॉग बनाने का uh, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था और uh, तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ आज मुझे बहुत अच्छा टाइम भी मिला है मौका भी मिला है चांस भी है तो मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं आज मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कर रही हूँ आज क्यों क्योंकि मेरी मेड नहीं आ रही है फोर फाइव डेज हो गया उनको वो नहीं आ रही है और मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया घर में क्योंकि जॉब भी करती हूँ तो जॉब के साथ साथ ना मतलब तो घर का काम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो घर पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जैसे कि ड्यूटी से आए तो खाना बनाया और बर्तन वगैरह माँज लिए तो मुझे लगा कि झाड़ू पोछा भी जरूरी है क्योंकि बहुत मतलब डस्टिंग इतना लग रहा है ना कि नहीं रहा जा रहा अब तो तो मैंने सोचा कि आज मैंने अपना शेड्यूल आज शाम को ही बना के मतलब तो सुबह ही बना लेता कि जैसे मैं घर से ड्यूटी से आऊँगी नाइट इवनिंग ड्यूटी मेरी चल रही है तो मैं नौ बजे घर पे आई तो सब्जी तो मैंने सुबह बना ले था आज मैंने शाम को सब्जी भी नहीं बनाई आज दोपहर वाली सब्जी को ही मैनेज कर लिया और फिर उन्होंने बाहर से भी अपना ऑर्डर कर लिया था कुछ कुछ तो वो हो गया तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं झाड़ू पौछा लगाऊंगी क्योंकि सुबह मेरी आँख जल्दी से नहीं खुलती मेरे को लेट नाइट काम करना पसंद है लेकिन सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं यहाँ वो बात अलग है कि मॉर्निंग ड्यूटी होते तो उसमें मुझे उठना ही पड़ता है तो मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि मुझे जा आज झाड़ू पोछा लगाना है तो लगाना है तो अभी इस टाइम रात के बजे है दस चलिए मैं दिखाती हूँ अभी घड़ी में कितने बजे हैं तो देखिए देखिएगा इस टाइम मेरी घड़ी में दस बजकर दस मिनट हो चुके हैं और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना काम और आपको पता है मेरे घर की क्या कंडीशन हो रखी है मैं आपको अभी सारा घर दिखाती हूँ शुरू से ले अभी तक कि मेरा घर कैसे फैला हुआ है और हम कैसे रह रहे थे मेरा मन नहीं लग रहा है अभी इस टाइम इसलिए ना आज सोचो कि डस्टिंग कर लो चाहे दस बजे बारह बजे ग्यारह बजे मुझे क्या लेना रहा तो आज तो मुझे करना है डस्टिंग के साथ साथ पूरा घर चमकाना है तो दिखाती हूँ मेरा घर तो देखिए गाई किस तरह से मेरा घर फैला हुआ है ये देखिए ओ माय गॉड जैसे कि घर में कोई रहता ही नहीं है ये देखिए ऐसे पड़ा है सब कुछ जैसे कि कितना दिन हो गया कितने महीने हो गए इस घर की डस्टिंग ही नहीं हुई है इतना मतलब तो आज मैं अपने इस पूरे घर की साफ सफाई पूरे अच्छे से करूँगी कवर चेंज करूँगी और पोछा भी लगाऊँगी झाड़ू भी लगाऊँगी एंड डस्टिंग भी करूँगी साथ में तो अभी देखिए बिफोर फिर आफ्टर आपको दिखाएंगे गाइस तो मेरा मन नहीं लग रहा था मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और ना नींद अभी आएगी तो आज मैं पूरा घर क्लीन करूँगी तभी सोऊँगी, तभी मुझे चैन में चैन आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगी पहले क्या ये जो कवर है ना इनको उठाऊँगी और इनको डाल दूँगी में धुलने के लिए मशीन में लगाऊँगी संडे को क्योंकि मशीन में भी मुझे संडे को ही लगाना है ऑफ है संडे मेरा तो मैं ये सब आज पहले से यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी जो ये सारा गंद फैला हुआ है वैसे तो गाइज मुझे ना इन पे कवर बिछाने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन ये गंदे ना हो जाए लाइट कलर है तो कभी जैसे फंक्शन किया या कुछ भी मतलब ऐसी कोई भी ओकेशन होता है तो इसको ऐसी रखती हूँ मैं ये तो मैं डेली वेयर के लिए ऐसी ही मतलब कवर डाल के रखती हूँ ताकि मेरे ये सोफे ना गंदे ना हो लाइट कलर है ना तो इसलिए और टेबल है टेबल को देख लीजिए टेबल पे क्या हाल मचा रखा है जैसे कि सारा दुकान इसी को ही बना के रख दे इस टेबल को बेचारे को ये भी सोच रहा होगा कि माई गॉड मैं कहाँ फंस गया हूँ इतना मुझे हैवी बना के रख दिया इन लोगों ने तो आज मैं सब क्लीन करूँगी तो आप मेरी देखिए मैं किस तरह से अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं सारे कवर सोफ़े के उतार दिए हैं सारे मतलब जितने भी मतलब सोफे पे कपड़े फैले हुए थे सब उठा के रख दिए हैं तो मैं स्टार्ट करूँगी झाड़ू से झाड़ू मैं ऊपर नीचे सब जगह लगाऊँगी ताकि कहीं मुझे जाले भी नज़र आ रूंगे तो वो भी उतर जाएंगे तो आज वैसे कहते हैं कि रात को साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए घर की मतलब लक्ष्मी जाती है लेकिन अब क्या कर सकते हैं जो हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना सुबह फिर चल दो तो जॉब पे लेकिन मैं मेरी जॉब तो दोपहर की चल रही है अभी इवनिंग ड्यूटी चल रही है तो मैं इवनिंग में ही जाऊंगी तो इवनिंग में भी मैं नौ दस बजे सो के उठूँगी तो वाइस मुझसे ना मतलब तो एक इवनिंग ड्यूटी है जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर पाती हूँ और देर से थोड़ा उठती हूँ और बेस्ट ड्यूटी है मेरे लिए इवनिंग तो इसलिए लेकिन कोई बात नहीं काम तो कर ही रहे ठीक है तो अब मैं जाती हूँ पहले और ये डस्टिंग जो है पहले वो करूँगी और घर पूर्व में झाड़ लगाऊंगी फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी तो देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग आई देख लो बहुत टाइम लग गया है दस बजकर दस मिनट पर काम स्टार्ट किया था लेकिन बारह बजकर दस मिनट हो चुके हैं पूरे दो घंटे हो चुके हैं डस्टिंग कंप्लीट हो गई है पोछा रह गया अभी तो मैं अभी कवर बिछा रही लूँ सारी डस्टिंग बहुत अच्छे से हो गई है कुछ भी नहीं बचा अभी दिखाऊंगी आपको कवर बिछा लूँ सोफे का कवर कलर ले लिया ना मैंने तो जल्दी से ना गंदगी गंदा हो जाता है तो इसीलिए मैं इस पर कवर बिछा छा हूँ नहीं तो मुझे कवर की तो जरूरत ही नहीं थी ये मेरे हस्बैंड को ही था कि मुझे लाइट कलर चाहिए ये वो तो गाइस मैंने सारा काम कर लिया घर का डस्टिंग हो गई सोफ़े कवर बिछा दी और पोछा भी लगा दिया झाड़ू तो कर लिया देख सकते हो अभी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अपना घर साफ किया क्लीन किया है आप बताना मुझे कमेंट में कि मेरा घर कैसा लगा मैंने किस तरह से साफ़ सफाई की अच्छी कि बेकार तो वैसे देखो टाइम घड़ी में अभी दिखाती हूँ मैंने काम जब स्टार्ट किया था तो साढ़े दस बजकर दस मिनट होते घड़ी में और अभी बजने वाले हैं साढ़े बारह तो साढ़े बारह बजने में चार मिनट तीन मिनट तो हैं तो देखो कितना टाइम लग गया काम वाली पे भरोसा करता हम कि हाँ अच्छा करते हैं वो उन्हें भी हमारी मजबूरी समझना चाहिए कि हम काम करते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता है तो चलो इनका काम अच्छे से करें जो भी है तो जैसे भी है हमें अब वैसे अपने काम वाले पे ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे से काम करें हमें उन्हें बार बार बताना चाहिए कि यहाँ से करो आज डस्टिंग ऐसे करो वैसे करो तो वो भी काम करेंगे अच्छे से लेकिन वो क्या है ना हम नहीं मिलते घर पर तो कभी कभी हम लॉक ला के चले जाते हैं तो वो खोल के अच्छे से कर जाती है जैसे भी है तो वो अपनी तरफ से मतलब जैसा करके जाते करके चल जाती है हमें कि हम होते नहीं बताने के लिए कि ऐसा करो वैसा करो और होते भी हैं तो हम उनको नहीं मतलब कुछ बोल पाते हैं तो इसलिए काम उनका अब समझ नहीं आ रहा था तो चलो चली गई कोई बात नहीं चार दिन से नहीं आती तो मैंने आज पूरे घर का काम किया सफ़ाई की डस्टिंग की बहुत अच्छा लग रहा है अब मैं चैन से सोंगी बहुत अच्छी नींद आएगी खाली खाली सा लग रहा है और गाइस अभी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से सफाई की है गाइस घड़ी में साढ़े बारह बजने में दो ही मिनट अब ठीक है मैंने दस बजकर दस बजे पे सफाई करना स्टार्ट किया था और बज चुके साढ़े बारह और अब मैं आपको अपने घर की क्लीनिंग दिखाती हूं देखिए अच्छा लग रहा है ना तो देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा गई ना कि मैं बता नहीं सकती ब्याह नहीं कर सकती <laughs> इतना मतलब मैंने कर लिया लेकिन जो बात मैं ठान लेती हूँ ना गाई कि करना है तो मैं करके दिखाती हूँ ऐसे नहीं कि बोलती हूँ बस तो मैंने आज अपने घर का काम पूरा किया आप मुझे अच्छे से नींद आएगी और मैं आराम से सोऊंगी कैसा लगा आपको मेरे घर की डस्टिंग साफ सफाई तो बताना कमेंट में गाइज़ मुझे तो आ रही काफ़ी नींद और आप लोगों को भी आ रही होगी कुछ लोग सो भी गए होंगे और मेरा टाइम वैसे रूटीन का यही है बारह साढ़े बारह बजे एक बजे तक की सोती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज तो ना बाहर फोग इतना कि शिमला बना हुआ है ऐसा कि शिमला में आ गए हूँ अभी दिखाती हूँ तो देखिए गाइस कितना फोग है ऐसा लगे कि हम कहीं शिमला में ही हों इतना फोग है ना कि बाहर भी नहीं निकल सकते ऐसे ठंड में तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको नजारा देखिए दूर दूर से तो दिख ही नहीं रहा है कि आसमान भी देखो कैसा दिख रहा है ना हम्म तो वैसे रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है ऊपर से देखो और हस्बैंड तो सो गए होंगे देखती हूँ मैंने सारा ये भी नहीं सो रहे ये देखी क्लीनिंग तो मेरी हो गई है अब मैं आराम से सो सकती हूँ साफ सफाई ना हो तब तक अच्छी ना तो नींद आती है ना अच्छे से खाया जाता है ना अच्छे से पिया जाता है मैं साफ़ सफाई के मामले में बहुत अलग ही हूँ मुझे साफ सफ़ाई बहुत पसंद है गाइस तो अगर मेरे को लगता है कि जैसे कि ये करना है तो करके छोड़ती हूँ और अपने हाथ से साफ सफ़ाई डस्टिंग करना मुझे बहुत पसंद है अगर मेरे साथ मेड भी लगती थी तो मतलब मेड काम करती थी तो मैं उसके साथ वो तो अपना बर्तन झाड़ू पोछे करके चली जाती थी और थोड़ा बहुत डस्टिंग करती थी लेकिन बाकी का काम जो अपना मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना है मुझे यहाँ से ये यह करना है तो वो मैं खुद करती थी वो उससे नहीं करवाती थी क्योंकि उनको नहीं पता उस तरीके से जिस तरह से मुझे पसंद है करना उनको नहीं आता था तो उनका हाथ भी कहीं कहीं नहीं पहुँच पाता था तो हम तो कहीं भी मतलब तो कुछ भी ले लिया टेबल ले ली मतलब तो छोटी उस पर चढ़ के कर लिया तो वो नहीं चढ़ती थी उनको डर लगता था कि मैं गिना जाऊँ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा काम हो गया तो आप मुझे पता नहीं कि काम मेरा कैसा लगा और आप सबको भी पता होगा आपको भी लगता होगा कि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है तो अब हम जॉब वाले तो जॉब में ना हर किसी का यही हाल होता है कि रात को ही या तो काम करेगा या उनकी छुट्टी होगी जब भी काम करेंगे तो गाइज बहुत रात हो चुकी है तो मैं आपको अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी मुझे बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा और बने रहेगा आगे तक मेरे ब्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिए तब तक के लिए गुड नाइट बाय और अपना ध्यान रखें अपना आराम से आगे बढ़िए आगे अपने लिए वो करे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट